ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी आने की क्या संभावना है, कि हम केंद्र सरकार को कितना टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को कितना टैक्स देते हैं? ये काफी ज्यादा है। पहला क्या है कि केंद्र सरकार जो उत्पाद शुल्क ले रही है पेट्रोल और डीजल पर, जो बहुत, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते मूल्यों से जनता त्रस्त है, और कहीं ना कहीं सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे। तो आज हमारे साथ हैं श्री गोपाल ऑटोमोबाइल्स रातू रोड के ओनर श्री राहुल जायसवाल जी, जो हमें बताएंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम कब कम होंगे। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पे। धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में कमी आने की क्या संभावना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति के बिना ये प्राइस पर अंकुश लगना संभव नहीं है। और जब तक केंद्र सरकार कुछ पार्ट घटाना चाहिए और राज्य सरकार को कुछ पार्ट घटाना चाहिए, तभी ये जनता को राहत मिलेगी। अब आप हमें ये बताइए कि जनता को हमेशा ये कंफ्यूजन रहता है कि हम केंद्र सरकार को कितना टैक्स देते हैं, राज्य सरकार को कितना टैक्स देते हैं, तो आप इस विषय में हमें कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जी हाँ, जैसा कि पेट्रोल पर केंद्र सरकार उत्पाद कर जो है 27.9% लेती है, पेट्रोल पर 27.9% और डीजल पर 21.8% कर लेती है ये केंद्र सरकार। और राज्य सरकार पेट्रोल पर 1 रुपया सेस लेती है और 22% वैट लेती है, और डीजल पर 1 रुपया सेस लेती है और 22% वैट लेती है। ये काफी ज्यादा है केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार भी, तो इसलिए दोनों को जनता में राहत मिलनी चाहिए दोनों जगह से। तो जैसा कि आपने बताया कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतना भर भर के टैक्स हमसे लेती है, तो ये कहना कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर टैक्स घटा दे, टैक्स में कटौती कर दे, तो जनता को उससे काफी राहत मिल सकता है। जी, बहुत ही राहत मिलेगी। पहला क्या है कि केंद्र सरकार जो उत्पाद शुल्क ले रही है पेट्रोल और डीजल पर, जो बहुत बृहद पैमाने पर ले रही है, उसको कटौती करनी चाहिए, और राज्य सरकार को वैट पर कटौती करनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस फिर से बढ़ता है तो बेसिक प्राइस पर वैट को परसेंटेज फिक्स किया है इन्होंने, और वो बेसिक भी बढ़ेगा और वैट भी बढ़ेगा, तो वैट में एक फिक्सेशन होनी चाहिए कि कितनी लगनी चाहिए। वो तो बढ़ते ही जा रहा है और केंद्र जनता पर भी भार पड़ते जा रही है, तो ये एक हमारे समझ से इस पर एक झुकाव होनी चाहिए राज्य सरकार की द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा ही, जो कि जनता बीच में राहत की सांस ले और सब लोग के पॉकेट मनी में कुछ जाए। चलिए, हम आशा करते हैं कि सरकार इस विषय पे जल्दी से जल्दी ध्यान दे और पेट्रोल और डीजल के दामों पे थोड़ी कटौती आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ ये सारी जानकारी देने के लिए। तो थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।